अब बच्चों आ जाओ, व्हेन बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि ये हम नॉन होमोजीनियस के लिए बात कर रहे हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। इसमें बच्चों क्या हो रहा होगा कि इसको देखो, सबसे पहली बात कि हमने इसको क्रैमर्स रूल में डील कर रखा है कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि प्लेन हमारा पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, कैसे कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस केस में नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट भी आ सकता है, आ रही बात समझ में, बिकॉज हमारा ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी आ सकता है, कंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है इनकंसिस्टेंट, और यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है। इस केस वन में हमने क्या बोला, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के इक्वल नहीं है, तो क्रैमर्स रूल में हमने क्या बोला था, ऐसे बोला था ना, एक्स डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन, तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, ऐसे सॉल्व करते थे ना, वाई डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टू, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या मिल गई, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और जेड डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा थ्री, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या मिल गई, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, कब, जब डेल्टा हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे, क्रैमर्स रूल से। अब मैट्रिक्स मेथड में क्या है, जो गॉस जॉर्डन मेथड है, उसमें क्या है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तो ऐसे लिख लिया, ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, ए का डिटरमिनेंट जो कि डेल्टा है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो क्रैमर्स रूल में तो ऐसे सॉल्व कर लेते थे। अब मैट्रिक्स मेथड में क्या सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूँ। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो इसका क्या मतलब है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो हमने ये जो ए एक्स इज इक्वल टू बी है ना, इसमें दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा एक्स, और ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी, तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से कैपिटल एक्स मैक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स कैसे लिखोगे, वन अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स, इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लोगे तो वो भी क्या मिलेगा हमें, एक थ्री बाई वन ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, यहाँ भी थ्री बाई वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो मेथड है ना, ये मेथड, इसी को हम मैट्रिक्स मेथड बोलते। तो यही तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा नया है, मेरी बात आ रही है समझ में, यही कुछ जो है हमारे लिए एक्स्ट्रा इसमें, मतलब यही हमारा गॉस जॉर्डन मेथड है सॉल्व करने का, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ऐसे ही हम निकालेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। और यही बोला गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्री मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल गया, ये यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अब अगर केस टू में आ गए, केस टू में हमने क्या बोल दिया कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा हमारा जीरो है, तो फिर मैंने क्या लिखा कि एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी एक नल मैट्रिक्स नहीं है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। अब मेरी बात को सुनो, कहने को मैं ये केस टू लिखवा रहा हूँ, बट इसका यूज़ तुम्हें कहीं नहीं आएगा, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा यूज़। फिर तुम बोलोगे कि जब यूज़ नहीं है तो क्यों आप समझा रहे हो, इसलिए कि कई बुक में इवन एनसीईआरटी में ये गिवन होता है, ठीक है, बट इसका यूज़ नहीं होगा तुम्हें कहीं भी, ना जेई मेंस में, एडवांस में, हम ऐसा सॉल्व ही नहीं करेंगे, जो अभी मैं आगे बता रहा हूँ ना, हम ऐसे कभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम तो प्लेन से देख लेंगे कि क्या चल रहा है इक्वेशन में, ठीक है, प्लेन से देख लेंगे कि इक्वेशन में चल क्या रहा है। मतलब क्या है वो मैं अभी समझाता हूँ तुम लोगों को, एक मिनट देखो बस, बैटरी डाउन।